नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल केंद्र में मध्य प्रदेश से मंत्री बनाए गए शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे। यहां सभी नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। दरअसल पहले केंद्रीय मंत्रियों का अभिनंदन समारोह किया जाना था, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया की पत्नी के निधन के बाद पार्टी ने सादा कार्यक्रम करने का निर्णय लिया, जिसमें पार्टी के संस्थापक नेताओं की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर में शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली भोपाल पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद शिवराज सिंह ने भोपाल में रोड शो भी किया। इस दौरान रास्ते में जगह जगह उनका स्वागत सत्कार किया गया। शिवराज सिंह चौहान को देखकर बीजेपी दफ्तर में आई कुछ महिलाओं ने उनके लिए गाना गाया। महिलाओं ने गाए फूलों का तारों का सबका कहना एक हजारों में मेरे भैया। ये देखकर शिवराज सिंह महिलाओं के पास पहुंचे। महिलाओं ने उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि हमने मध्य प्रदेश से केंद्र में बने मंत्रियों के अभिनंदन का कार्यक्रम रखा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया की पत्नी का निधन होने के चलते ये अभिनंदन कार्यक्रम स्थगित कर दिया। सभी लोगों ने महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सबकी कोशिश रहेगी कि कार्यकर्ता के नाते मंत्री के रूप में भी कसौटी पर खरा उतरे। हम दिन रात काम करेंगे। हम सब मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी है, पूरी क्षमता से इसे निभाएंगे। चलो आप आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने नव निर्वाचित केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के हमारे सभी कैबिनेट के मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,
माननीय वीरेंद्र कुमार खटीक जी, डीडी उइके जी, सावित्री ठाकुर जी, एल मुर्गुन जी जो राज्यसभा से हैं, ऐसे हमारे सभी छह सम्माननीय केंद्रीय मंत्रियों का अभिनंदन समारोह आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने यहाँ पर रखा था। इसी दौरान एक दुखद घटना, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्लियामेंट बोर्ड के सम्माननीय सदस्य, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण जटिया जी की धर्म पत्नी का दुखद निधन आज दोपहर में हुआ। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने अभिनंदन और सम्मान समारोह को स्थगित करके केवल महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भी जब जुलूस में थे, जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल सभी कार्यकर्ताओं से ये कहकर कि इस प्रकार की घटना है, इसलिए चूंकि बड़ी संख्या में लोग आए थे, हमारे सभी माननीय कैबिनेट के मंत्रियों ने, सावित्री जी ने भी, डीडी उइके जी ने भी और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी किसी प्रकार का समारोह में कोई अभिनंदन और इस प्रकार की चीज़ों से सबने मना किया। और इसलिए आज हम सभी कैबिनेट के मंत्री, आदरणीय शिवराज सिंह जी, हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ देश के इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को उन्होंने संभाला है, आदरणीय सावित्री ठाकुर जी ने भी, डीडी यूके जी ने भी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी, वीरेंद्र खटीक जी और हमारे एल मुर्गुन जी, लोकसभा की कार्यवाही के कारण जो आगे प्रारंभ होने वाली है, चूँकि वो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण के तैयारी के कारण वो उपस्थित नहीं हुए, इसलिए मैं सबको एक बार बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आदरणीय जटिया जी की धर्मपत्नी का जो दुखद निधन हुआ उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने सिर चरणों में स्थान देंगे। तो आज हमने अपने समारोह को स्थगित करके एक सामान्य तौर पर पुष्पांजलि करके आज हमने इसको समारोह को यहीं पर आज समाप्त किया। मित्रों, हम सब अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, विजनरी लीडर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। केंद्र में मध्य प्रदेश के 5-5 मंत्री बने हैं। उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है, हम सब की कोशिश रहेगी कि हम एक कार्यकर्ता के नाते मंत्री के रूप में भी कसौटी पर खरे उतरें, और इसलिए संकल्प मध्य प्रदेश में आज जब हम आए तो एक ही है कि हम लोग दिन और रात काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। खेती अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान अन्नदाता है, एक प्रकार से भगवान है, और खेती और किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है। हम सब मंत्रियों को अलग अलग जो जिम्मेदारी मिली है वो हम अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ठीक से निर्वाह करने की कोशिश करेंगे। हम सब ने कार्यभार संभाला और लगभग 5 दिन में स्वयं सवेरे 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मंत्रालय में ही रहा, पर काम को हमने समझने की कोशिश की। 10 सालों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, आज उसके बारे में विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं, उस काम को आगे बढ़ाना है। और हमारा तो सौभाग्य कि प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली फाइल साइन की, तो वो थी किसान सम्मान निधि की फाइल। 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी काशी से अंतरित करने का काम करेंगे। 18 के कार्यक्रम में हमारे सभी
केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, अलग अलग कार्यक्रम होंगे पंचायतों में, ब्लॉक मुख्यालय पर, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में, अलग अलग जगह मंडियों में, और लगभग 2.5 करोड़ किसान इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। एक और प्रसन्नता है कि गरीबों के 3 करोड़ नए घर बनने हैं, और वो काम भी ग्रामीण विकास विभाग का है। तो पहली कैबिनेट में ही सिद्धांता ये तय कर लिया गया कि ये मकान बनेंगे, उनमें से 2 करोड़ लगभग ग्रामीण विकास विभाग को बनाना है। तो हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया उस पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। चूँकि 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी का काशी जी में कार्यक्रम मेरे विभाग का ही था, इसलिए मुझे कल यहाँ से निकलना था, और पार्टी ने तय किया था कि एक बार सब मंत्री आ जाएं। और दूसरी और दिक्कत थी, मध्य प्रदेश से लोग 1500 लोग मिलने अलग अलग मंत्रियों से दिल्ली जा रहे थे, तो हम लोगों को लगा कि बीच में एक बार सब कार्यकर्ताओं से भेंट हो जाए, इसलिए पार्टी ने यह कार्यक्रम रखा और हम लोग आए। बाद में ये पता चला कि सत्यनारायण जटिया जी और बहुत सीनियर लीडर हैं, उनकी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हुआ है, दुखद निधन हुआ है, इसलिए यहाँ के कार्यक्रम को श्रद्धांजलि हम लोगों ने अभी दी और स्थगित किया है। मैं तो इतना ही कहता हूँ, हम सब मंत्री मध्य प्रदेश से जो बनाए गए हैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरी प्रमाणिकता, पूरी परिश्रम से, संपूर्ण क्षमता झोंक के हम लोग अपने अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।